सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक निकालें। हिंदी की बुक्स निकालें सभी। क्लास ब्रेक। देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आई की मात्रा वाले शब्द ए और आई की मात्रा वाले शब्द थैला बैल। मैंने आपको क्या ये जो सिपाही है इसको एक ही मात्रा वाले शब्दों से रास्ता बनाकर बैलगाड़ी तक पहुंचाना है। पहुंचाया किसी ने? यस या नो? पहुंचाया था इसको एक ही मात्रा वाले शब्दों से रास्ता बना के। देखिए सबसे पहले ये पेड़ के पास जाएगा, इसको सेब मिलेगी। मैंने तो ऐसे बनाया। आप सबने किस प्रकार पहुंचाया? एक ही मात्रा वाले शब्दों से रास्ता बनाकर पहुंचाना था। देखिए आगे क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा वाले शब्द। क्या पढ़ेंगे? ओ की मात्रा वाले शब्द। जो
गए दो। पेज नंबर 32 देखिए। दोपहर के अब बज गए दो। गोपाल हमको समोसे दो। गोपाल हमको समोसे दो। मोहन सोहन सब आओ, नाचो गाओ ढोल बजाओ। नाचो गाओ ढोल बजाओ। होली आई होली आई, सबने मिलकर धूम मचाई। सोहन आओ मोहन आओ, नाचो गाओ खुशी मनाओ। कोयल मीठे बोल सुनाओ, सुने सुनो सुहाते सबको भाई। कोयल के मीठे बोल, तुम भी जब मुख खोलो तो बोलो मीठे मीठे बोल। देखिए अब सही शब्द चुनकर चुनकर गोला बनाना है, ठीक है। एक तो दे रखा है कोयल, एक दे रखा है कायल, तो कोयल के ऊपर गोला बनाए। अब ढोलक होता है ढोलक होता है, तो ढोलक पर गोला बनाए। लोमड़ी होती है रमोड़ी होती है, लोमड़ी पर गोला बनाए। सही शब्दों को चुनकर गोला बनाए। कोयल कायल, तो मैंने काई पे गोला बनाया, कोयल पर। इसी प्रकार ढोलक ढलो, तो ढोलक पर गोला बना दिया। लोमड़ी लमोड़ी, तो लोमड़ी पर गोला बना दिया, ठीक है। दिए गए अक्षरों में से सही अक्षर चुनकर खाली बॉक्सों को पूरा करो। सबसे पहले क्या लिखा, कोयल मोहन समोसा ढोलक और भोजन। अब देखिए चित्र देखकर कहानी पूरी करें। आज कौन आया, होली का दिन आया, सब रंग रंग खेल रहे, तो काई का दिन आया, होली का दिन आया। रोहन ने क्या बजाया, ढोल बजाया। सोहन बाजार से समोसा लाया। मोर ने सबको नाच दिखाया। करिए सभी, आज होली का दिन आया। रोहन ने ढोल बजाया, सोहन बाजार से समोसा लाया। मोर ने सबको नाच दिखाया। इस प्रकार देखिए मैंने फील कर रखा है, आप सब भी करें, कीजिए सब।
ठीक है, ये सब क्या है उनकी मात्रा वाले शब्द। आपको 10 शब्द लिखने हैं।